नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। अरुणाचल प्रदेश में आदि स्टूडेंट यूनियन और आदि बाने केबांग ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार से ईस्ट सियांग जिले को बंद कर रखा है और कहा जा रहा है कि शायद आज भी जिले को बंद ही रखा जाएगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में एक नए जिले की स्थापना हो रही है जिसका नाम है लोअर सियांग। आदि स्टूडेंट यूनियन व आदि बाने केबांग की मांग है कि इस जिले में आदि क्षेत्रों को ना शामिल किया जाए, लेकिन राज्य सरकार इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इसकी वजह से ये लोग ईस्ट सियांग जिले को बंद कर रहे हैं। आदि स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ओबुक गाओ का कहना है कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो अपना विरोध जारी रखेंगे। वहीं इस बंद के चलते जिले में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग को भी स्थगित कर दिया गया है। मणिपुर के इम्फाल के मंत्री पुखरी के पास एमबे हेड ऑफिस में शनिवार सुबह 6:25 पर ग्रेनेड विस्फोट की खबर आई है। हालांकि राहत की बात यह है कि विस्फोट में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि यह घटना कोई पहली बार नहीं घटी है जब एमबे में ग्रेनेड विस्फोट हुआ हो। इससे पहले भी 22 अगस्त को एमबे ऑफिस में विस्फोट हो चुका है और अब तक एमबे ऑफिस में कुल 3 विस्फोट हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि इस विस्फोट के पीछे किसका हाथ है। सर, मैं अपने काम से, दिन भर के काम से मैं पहुंचा ही था तो गेट बंद था, तो सिक्योरिटी ने गेट खोला तो हम ऊपर पहुंच के कपड़ा बदली करते ही फट गया, तो धुआं उड़ रहा था, तो नीचे से धुआं उड़ रहा था, तो हम लोग सब सिक्योरिटी, हम लोग जितने लड़के लोग थे, गेट खोल के देखा तो अंदर में कुछ घास उस भी नहीं बटा, कुछ उस दिन का तो कीचड़ उछला था ना, तो कुछ भी नहीं था। तो अरे कहाँ हुआ, क्या हुआ, उधर गांव के लोग भी दो चार आ गए थे, तो फिर हम लोग बोला शायद ऊपर होगा बोल के फर्स्ट में हमारा भाई सिक्योरिटी गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जाके देखा तो वो फटा हुआ था, मतलब जो जमीन, तो उसने देखा कि एक और है, तो हम लोग फिर भागा, फिर हमने मपू मतलब मालिक को फ़ोन किया, तब तक वो असम राइफल के सर लोग आ गए, तो सर लोग भी सब आए तब। त्रिपुरा के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त केबी सत्यनारायण को त्रिपुरा का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल पद्मनाभा बालकृष्ण आचार्य ने केबी सत्यनारायण को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री मणिक सरकार, कैबिनेट मंत्री और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। केबी सत्यनारायण पिछले 20 सालों से त्रिपुरा सरकार के लिए काम करते आ रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल में नाइक पद पर तैनात अरुणाचल प्रदेश के लोकाम तासु का निधन 25 सितंबर को लखनऊ के एक अस्पताल में हो गया। एसएसबी के द्वारा लोकाम तासे को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। शनिवार दोपहर को लोकाम तासु के पार्थिव शरीर को ससम्मान तिरंगा से लपेटकर लखनऊ से पाछीन गांव लाया गया और उनके घर वालों की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि लोकाम तासु 49 साल के थे और उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। लोकाम तासु 11 में 1987 को सेना में भर्ती हुए थे और पिछले 27 सालों से देश की सेवा कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पुलिस स्टेशन में राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग द्वारा क्लीन अरुणाचल ग्रीन अरुणाचल सफाई अभियान का उद्घाटन किया गया। क्लीन अरुणाचल ग्रीन अरुणाचल सफाई अभियान के उद्घाटन के दौरान वहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सहित कई अधिकारीगण मौजूद थे। राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने पुलिस स्टेशन में पौधे लगाने और उसे बड़ा करने के लिए लोगों से अपील की और शहरीकरण ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण भी बताया। इससे बचने के लिए सबको पौधे लगाने चाहिए, यह अपील भी गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग के द्वारा बार बार किया गया। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नित्यानंदम ने कहा कि सफाई अभियान का आयोजन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि इस पर भी काम किया जाएगा और इस पर काम करने की जरूरत भी। पुलिस स्टेशन हमेशा क्लीन होना चाहिए, साफ सफाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इंडिया में कहाँ भी जाए तो एक विलेज का और टाउन का
दो चीज जरूर आप देख सकता है, एक मंदिर होगा और पुलिस स्टेशन होगा। बिना पुलिस मंदिर भी कुछ जगह में नहीं हो सकता है, बट विदाउट पुलिस स्टेशन एक डिस्ट्रिक्ट में और एक शहर में और ग्रुप ऑफ विलेजेस में विदाउट पुलिस स्टेशन आप नहीं दे सकता है। जो ग्रीन एंड क्लीन भारत में भारत का प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है, तो हम सबका सोच भी यही है कि हम भारत है, भारत सरकार ने जो कदम रखेगा उसी को हम हमारे भी भारत का दिशा है हम कुछ करना चाहिए। तो आप तो सब मिलकर ऑर्गेनाइज किया, मुझे बुलाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन का मीनिंग ये आता है, ग्रीन का बेनिफिट ये मिलता है, वहाँ जो ऑक्सीजन बनता है, आदमी का शरीर में कनेक्शन होता है। पहले ऐसा नहीं था, हमारा जमाना में बीमार भी कमती था, किस्मत कमती था, हमारा पास मेडिकल नहीं था, तो भी जीते आ रहा। तो ग्रीन ज्यादा होने के कारण से ऑक्सीजन से हम जिंदा रहा था। आजकल टाउन में कैपिटल में बिल्डिंग बनाया, सीमेंट लगाया, सीजर शीट लगाया, ये केमिकल मिक्स किया हो रहा है, इसके वजह से गर्म ज्यादा होता है तो बीमार ज्यादा पैदा होता है। तो इसलिए इसको डिफेंड करने के लिए हमको ग्रीन चाहिए, हर घर में पेड़ लगाने चाहिए, हर जंगल में पेड़ होना चाहिए, पौधा होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित बीएसएनएल ऑफिस में हिंदी पखवाड़ा दिवस का समापन किया गया। बीएसएनएल के डिप्यूटी जनरल मैनेजर आनुंग सिराम ने बताया कि समारोह में बच्चों के लिए हिंदी में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। वहीं हिंदी विषय के शिक्षक रहे डॉक्टर बी एन पांडे ने अपने अनुभव को साझा करते हुए हिंदी के महत्व को लेकर कई सारे तथ्यों को सामने लाया। आपको बता दें कि भारत सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, संस्थाओं में हिंदी पखवाड़ा हर साल 14 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान अनेक हिंदी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन, भारतीय स्तर पर हर विभाग द्वारा राजभाषा सम्मेलन भी आयोजित करने का प्रावधान होता है। पूरे देश में कहां पर हिंदी कितना पहुंची है, किस क्षेत्र के लोगों को हिंदी पढ़ने में कितनी कठिनाई है, कहाँ कितना प्रयास चल रहा है, मैं घंटे दो घंटे में पूरे भारत का भ्रमण आपको करा सकता हूँ। अगर स्वयं भ्रमण करके वो अनुभव एक्सपीरियंस अगर आपको प्राप्त करना पड़े तो सारे 25 से 100 लगाइएगा, वो भी पर्याप्त नहीं होगा। वैसे भी आप टेक्निकल व्यक्ति हैं और मैं वर्ल्ड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड डेमोग्राफी मेरे अध्ययन के ये सारे क्षेत्र रहे हैं। हमने हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया था, इसके बाद 15 सितंबर से हम लोग हिंदी पखवाड़ा शुरू हुआ और आज उनका अंतिम दिन है। इस पखवाड़े में यहाँ पर हम लोगों ने एसे राइटिंग कंपटीशन, लेटर राइटिंग कंपटीशन, डिक्टेशन, क्विज कंपटीशन, सॉन्ग कंपटीशन और पोइम रिसाइटेशन का जो कंपटीशन आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के जीरो स्थित बीरी ग्राउंड में शनिवार को वर्ल्ड टूरिज्म डे 2014 मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक तागे ताकी मौजूद थे। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि टूरिज्म को प्रमोट करने का एक ही मंत्र है और वो है अतिथि देवो भव। तागे ताकी ने कहा कि राज्य में आने वाले हर टूरिस्ट का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और अपने अतिथि को भगवान के समान समझना चाहिए। साथ ही किसी और राज्य से आए लोग हो या फिर विदेशी हो, सभी को अपने अच्छे व्यवहार से प्रभावित करना चाहिए ताकि अरुणाचल प्रदेश टूरिस्टों की पहली पसंदीदा जगह बन सके। My message would be, this world tourism day should be celebrated throughout the world. This is only a single media through which whole world
पीपुल कैन बी गेट टुगेदर एंड एस्टैब्लिश ब्रदरहुड। मणिपुर के इम्फाल के प्रेस क्लब में शनिवार को स्कॉलर नामक त्रैमासिक मैगजीन को रिलीज किया गया। स्कॉलर मैगजीन का संपादन पूर्व कला और संस्कृति आयुक्त डॉक्टर आर के निमाई द्वारा किया गया है। मैगजीन का रिलीजिंग समारोह एनी ब्रदर्स द्वारा आयोजित किया गया था। इस समारोह में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर जे सुरेश बाबू, माध्यमिक शिक्षा मणिपुर बोर्ड के अध्यक्ष पोटा सांगबाम धन कुमार और पर्यावरणविद व डीएम कॉलेज ऑफ साइंस के रिटायर्ड डॉक्टर के एस शामंगो मौजूद थे। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर जे सुरेश बाबू ने कहा कि स्कूलर मैगजीन में राज्य के प्रसिद्ध विद्वानों और शिक्षाविदों के नाम शामिल हैं। मैगजीन के संपादक डॉक्टर आर के निमाई ने कहा कि यह मैगजीन सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसे सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। In fact, I love books basically, and we felt that our students need some magazine which provides information on certain values which we inherited, but which are not included in the curriculum, as well as information about the new discoveries on the science. And since mathematics is regarded as a very tough subject, we try to incorporate mathematics that it's a easy to learn subject and it is an enjoyable subject. For me, my experience is that it is a switchover, but when I was doing my PhD also, I have been involved in proofreading of scientific journals and also it is not a totally new thing. So I have been involved in editing and I have been editing some of the works of some of the authors in Manipur, which I was very familiar with. So for me, this is not a totally new experience, but here the timeline is there with the books and all, the timeline is not there. So I have to work late in the evening to complete this, the first issue of the NE Scholar magazine. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के फुटबॉल ग्राउंड में रविवार को 20वें विश्वकर्मा फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न हो गया। फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन लायंस क्लब ऑफ चिंपू द्वारा किया गया था, जिसमें करीब 33 टीमों ने हिस्सा लिया था। फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में विवेक बिहार फुटबॉल क्लब और गांगतेहारी फुटबॉल क्लब के बीच मैच हुआ, जिसमें गांगतेहारी फुटबॉल क्लब ने विवेक बिहार फुटबॉल क्लब को 3-1 से हराया। गांगतेहारी फुटबॉल क्लब को 60,000 रुपये का इनाम दिया गया, वहीं रनर अप टीम को 30,000 रुपये का इनाम दिया गया। अरुणाचल कराटे एसोसिएशन के महासचिव सह अरुणाचल ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव आंग कुंग मारिक बतौर मुख्य अतिथि टूर्नामेंट के समापन समारोह में मौजूद थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग टीम की सराहना की और सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। गांगतेहारी फुटबॉल क्लब के कोच बयाबांग नामा ने कहा कि टीम की जीत का श्रेय पूरी टीम की मेहनत को दिया जाना चाहिए। वहीं गांगतेहारी फुटबॉल क्लब के टीम मैनेजर गांगते तातुब ने कहा कि अगर राज्य सरकार इस तरह के टूर्नामेंट्स के लिए मदद मुहैया करवाने लगे तो शायद ये खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। ईटानगर के चिंपू एरिया यानी वार्ड नंबर 2 में एक विश्वकर्मा रनिंग ट्रॉफी एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और आज यहां पर विनर रहा है गांगतेहारी फुटबॉल क्लब। और ये जो टीम है यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर गांगतेहारी के टीम खड़े हैं, तो इसके मैनेजर से हम और इसके कोच से हम पूछेंगे कि ये आपका जर्नी जो रहा है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? एक्सपीरियंस का बारे में तो क्या बोलेगा ना, थोड़ा तो तकलीफ तो लगा है, भाई लोग थोड़ा बहुत मेहनत किया है, सुबह शाम थोड़ा एक दो घंटा तो मेहनत करके आया है यहाँ तक पहुँच के। ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से आया, ऐसा बात नहीं है, बहुत तकलीफ से आया है। और क्या बोलेगा, आज जीता है तो उन लोग का मेहनत का फल है। मैं सिर्फ ये गांगतेहारी FC का मैनेजर नहीं है और स्टेट लेवल में ये गांगते तुकुंग स्पोर्टिंग क्लब का भी मैनेजर है, तो उसमें हम लोग अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन के साथ में रजिस्ट्रेशन है क्लब का, तो उसमें हम लोग स्टेडियम में भी काफ़ी टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन वाला क्लब खेलता है, तो उसमें
हम लोग लगता है कि खाली अपना ये इंडिविजुअल कला भी स्पॉन्सर करता है, जो भी अमाउंट लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट तो अनाउंस करता है कि लड़का लोग को अच्छा परफॉर्मेंस करो स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में, सब कुछ में। लेकिन ये जर्सी, इवन जर्सी के लिए भी एप्लीकेशन लिखने से स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। जो ये अभी आज ये टूर्नामेंट भी ये हम लोग 32 टीम्स को कम से कम फाइट करके आज नंबर वन पे आया है गंगतेहारी एफसी, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा लड़का लोग, मेरा कोच और टीम कैप्टन काफ़ी मेहनत किया है हम ये को कप को जीतने के लिए, सब मेहनत करके आज हम लोग दिल तो बहुत मैंने खुश हो गया। इसलिए ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लोग को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे विनिंग टीम यानी गंगतेहारी फुटबॉल क्लब, और यहाँ पर इनके टीम मैनेजर का कहना है कि 32 टीम्स को हराकर आज वो विनर चुने गए हैं। और उनका ये भी मानना है कि अगर सरकार की तरफ से कुछ एफर्ट किया जाए, मदद किया जाए, तो अरुणाचल में ऐसे कई सारे टैलेंट्स हैं जो अपने स्टेट को इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंटेशन कर सकें। कैमरामैन ताजू मिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।